उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, असम, ये स्टेट मिलके मोदी जी को बहुत बड़ा भव्य विजय देने वाला है, ये सारे लोग आज भारत में बोल रहा है। पहले तो सबसे ज्यादा सीट मोदी जी को उत्तर प्रदेश देते थे, फिर गुजरात देते थे, महाराष्ट्र देते थे, लेकिन इस बार माहौल ऐसा है कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल और असम उत्तर पूर्व मिलके मोदी जी को प्रधानमंत्री बना देगा। मैं गुवाहाटी में था, लोग बोल रहे हैं कि इस बार उड़ीसा में 18 से 20 सीट बीजेपी जीतने वाला है, ऐसा लोगों में माहौल है। कितना है नहीं है ये तो आप लोग जानते हैं, लेकिन पूरा भारत में सरसा है कि इस बार उड़ीसा में बहुत ही गजब होने वाला है। डबल इंजन सरकार उड़ीसा में बनना है, ये पक्का हो चुका है। भाइयों और बहनों, अभी मैं 2 सभा किया उड़ीसा में, लोगों को राम मंदिर लेके भी बहुत उत्साह है। जहां भी मैं जा रहा हूं लोग बोल रहे हैं जय जय श्री राम। तो मेरा ये मानना है, असम में जब चुनाव चल रहा था, असम में भी श्री राम को लेके उत्साह था, तो मैंने असम में चुनाव सभा में बोला कि अगले 1 साल में मैं 1,00,000 लोगों को राम मंदिर में लेके जाऊंगा दिखाने के लिए, राम मंदिर का दर्शन के लिए। मेरा मानना है उड़ीसा में जो बीजेपी का सरकार बनेगा, हम लोग कम से कम उड़ीसा से 5,00,000 लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट राम मंदिर देखने ले जाना चाहिए। जाना चाहिए कि नहीं मालूम, जाने का मन है कि नहीं आप लोगों का, जाना है ना सबको। तो ये मैं जब भी मुख्यमंत्री बनेगा, मैं मुख्यमंत्री जी को पहले मैं यही परामर्श दूंगा कि उड़ीसा में राम को लेकर इतना उत्साह है, तो हमें उड़ीसा को उड़ीसा का लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट राम मंदिर लेके जाना चाहिए, सबको राम मंदिर दिखाना चाहिए। भाई और बहनों, राम मंदिर क्या है? पहले जब भी चुनाव होते थे, ये कांग्रेस पार्टी हम लोग को पूछते थे, भाई बताओ राम मंदिर का कब उद्घाटन होगा, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कब होगा। तो हमारा मन में ये था कि जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगा, ये राहुल बाबा भी जाएगा, ये हमारा मन में था, इसीलिए वो पूछते थे। लेकिन अभी कांग्रेस लोग नहीं पूछते हैं राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कब होगा, किसीलिए? उनको मालूम है प्राण प्रतिष्ठा हो गया और अभी मोदी जी का हाथ से आगे जाके हमारा मथुरा भी मुंह धोने वाला है और काशी में ज्ञानवापी में भी मंदिर बनने वाला है, ये सबको मालूम हो गया। तो इसीलिए कांग्रेस अभी पूछते नहीं है। भाइयों और बहनों, आप लोग सब जानते हैं कि हमारा पार्टी शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी रिजर्वेशन देश में कायम रहे, इसके लिए हम हमेशा प्रतिबद्ध है। जदि आपंक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।